हेलो गाइस, तो हम रेडी हो चुके हैं 19 तारीख सुबह 7:30 बजे। ये हमारा बिग बॉस का हाउस और हम अरमान मलिक कमिंग सोन दो ब्याह करेंगे भाई हम भी, ताकि हम भी टीवी पर चले जाएं। फिर ये हमारा तंबू, तो हम तैयार हो चुके हैं। थोड़ी बहुत देर में टैक्सी आ जाएगी हमारी, टैक्सी वाले ने हमारा चूतिया काटा। पहले बोला कि हम कहीं और रहेंगे, अब यहीं मिला साला। भाई यहाँ ठंड है, हंटर पंटर क्या है, हुंदर। कैसी गंदी गंदी जगह लेगा मैं निश्चित भाई यार, जिनके नाम भी लिया जाते साले हम जैसे। तो हम हुंदर तो चलेंगे और पेंगोंग जाएंगे। हाँ हुंदर तो चलेंगे ना पेंगोंग के लिए, हुंदर तो चलेंगे ना पेंगोंग के लिए। हम कहाँ चलेंगे? पेंगोंग, पेंगोंग जाएंगे। हाँ तो यहाँ से चलेंगे ना पेंगोंग के लिए। तो भाई व्लॉग लेट हो रहे हैं क्योंकि आपके असुविधा के लिए छेद है, खेद नहीं है, हमें छेद है। क्योंकि खेत तो किसी किसी हर किसी को होता है, हमें छेद है। तो अब निकलेंगे पेंगोंग के लिए और अब हसड़ बसड़ करके व्लॉग बनाते ही रहेंगे। ये हमारे निश्चित भाई कार्यकारी अध्यक्ष करनी सेना जिलाध्यक्ष सबके पद खा के बैठे। तो अब नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर निकलेंगे। बाय गाइस। हाँ जी आ जाओ। हाँ कहीं पे भी ले लो। जी हमारी चाय आ गई है। और सुबह सुबह यहाँ बैठ के हम वादियों में झूठ बोल रहे हैं। मतलब झूठ की शुरुआत ये कह सकते हैं हमारी सुबह से ही हो गई है। 19 तारीख को फर्जीवाड़ा फैला रखा है। ये देखो गर्म पानी करने का उपकरण है ये इनका, वो देसी जुगाड़ है, पाइपों से ही गर्म पानी कर देते हैं ये। यार तो अभी मत कर यार, और ये हमारी वादियाँ सामने। मजा नहीं आता। फाइनल तैयार हो चुके हैं हम निकलने के लिए। अब नाश्ता वगैरह करेंगे। 10 बजने वाले हैं भैया, 8 बजे अभी 8 बजे है गाइस। और धूप ऐसी हो रही है जैसे 12:30 बज रहे हो। देखो दादा को, सूरत दादा ने यहाँ भी लेनी कर रखी है यार। सूरत दादा यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा। अपने घर तक 1200 किलोमीटर दूर आ गए, 1500 ही हो गया होगा, पर सूरत दादा अब भी पूरे उफान में। ये देखो माहौल सुबह का। तो नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं आगे के लिए। ये वो जगह है जहाँ हम रुके थे कैंप। पूरे हरे भरे जंगल में रुके थे हम, पूरे हरे भरे जंगल। नाश्ता वगैरह लेंगे और निकलते हैं फिर अपनी अगली मंजिल की ओर। नाश्ते की तैयारी पूरी है, सामने निश्चित भाई भी ले रहे हैं, खा पी के मिलते हैं अब निकलते समय दोस्तों। नाश्ता वगैरह करके बैठ गए निश्चित भाई, हमारे सबसे ज़्यादा पहलने वाले आदमी हमारे ग्रुप में। और ये एरिया है सिटिंग एरिया, अब निकलने की तैयारी करेंगे। गाड़ी वगैरह साफ कर रहा है लड़का, तो अब सीधा मिलते हैं रस्ते में। लगेज वगैरह रख दिया है और ये इनकर होने की आदत कभी नहीं जाएगी। दूसरा चश्मा कहाँ से? चुप रहा है कोने से। लगेज वगैरह रख दिया है और रेडी टू मूव। ये भी बता दे कि इसका ये सिर्फ इसका पहरा देते हैं हम, यूज नहीं करते हम। पहरे के लिए लाते हैं ना कि हम, बस इसका ध्यान रखना होता है कभी ये टूट जाए। इसको निकाल भी लिया अगर पूरे ट्रिप में। लगेज वगैरह डाल दिया। सुबह सुबह का नजारा। ये हमारे निश्चित भाई सजना है मुझे सजनी के लिए। सब बेंचो दाढ़ी वाली सबकी सफेद हो रही है। अच्छी है, मैंने दो दिन तक मुंह ही ना देखा अपना। शक्ल बेकार हो गई यार घूम घूम का। ये लेह का डेजर्ट है, डेजर्ट वहीं से बुक कर लेते तो
हाँ नजारे, मॉर्निंग के नजारे। मॉर्निंग में नाश्ता नहीं किया था तो अब मैंने नहीं किया था, मतलब इन सब ने खेल लिया था, पर मुझे अच्छा नहीं लगा तो अब कुछ खाने के लिए रुका हूँ यहाँ पे और पियेंगे। हेल इतना हमारा पर काटा कुछ तो खा पी के फिर चलते हैं आगे। मंचूरियन विद निश्चित भाई लगा के रखा हुआ तारीख। टाइम हो रहा है 11:30 का और देखो यहाँ चाय वगैरह के लिए रुके हैं, स्टॉप लिया है। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, वाटरफॉल टाइप का है। चलो चलो निश्चित भाई, डूब हो जाके रपट मत जाइए और बहुत तेज लगेगी। ये देखो उस वाले बैग, निश्चित भाई को मैंने सजेशन किया है कि उस वाले पत्थर पे जाके बैठे मेरा भाई। देखो ओवर रोडिंग, पानी इतना है, बाइक तो बड़े मुश्किल से क्लियर होती है। देखो
शेर शेर हम मर जाएंगे ओ बाबुल रे। पेंगोंग पहुंचने वाले हैं, ओवरलोडिंग वगैरह फुल्ली चल रही है। ये रहा भाई हमारा, और रोड पर पानी देखो गाइस, ये देखो रोड पर पानी, मतलब पक्का रोड है वैसे तो, पर बाइक वाले है ना क्या, बाइक वाले की वजह थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। पानी देखो एकदम शीशे की तरह साफ पानी है। प्रेशर देखो भाई, ओ भाई यहाँ तो पानी आएगा, पानी आएगा लद्दाख धूल मिट्टी दे बाहर निकल कर पानी में पूरे तेरी गाड़ी पूरी पूरी अंदर जा रही है गाइस। ये दोनों तरफ आ गया माहौल, पिछली बार तुम्हारी तरफ आया था जाना और ना जाना, भाई गाड़ी चल रही है सही को भी रास्ता देख लो तुम। गाइस हम पेंगोंग से हैं, 50 किलोमीटर दूर अभी, और अब रुके हैं एक ढाबे पर खाना वगैरह खाने के लिए। इससे पहले रुके थे नाश्ता वगैरह करने के लिए, मतलब चाय कॉफ़ी छाछ वगैरह पी थी वहाँ। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा, एक नंबर का नज़ारा है। ये हमारे साथ नोटवानी जी के दोस्त, चलो चलते हैं देखते हैं निशित भाई क्या खाते हैं, हम क्या लेंगे। समय 2 बज गया, 9:30 करीब निकले थे, 2 बज गए। हल्का फुल्का नाश्ता लेते हुए सेकंड नाश्ता टाइम, नाश्ता वगैरह करने के बाद चलते हम आगे। और आगे चलते चलते हमें एक चीज दिखी, इंडियन ऑयल। वैसे तो पंप ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये पंप कहाँ है वो बड़ी बात है। द वर्ल्ड हाईएस्ट आउटलेट 12,933, 12,933 पर, 12,933 पर ये पेट्रोल पंप है, हाई एल्टीट्यूड द वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप।
ले वालों के लिए, बाइकरों के लिए तो यार एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि बाइकरों के लिए बहुत ज़्यादा पेट्रोल की प्रॉब्लम है, जो कि ये एक वरदान है। चलो चलते हैं आगे की तरफ पेंगोंग। पेंगोंग जाते समय रास्ते में एंट्री फीस, ये टू मच फन।